हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर। अब तक हम लोग इसमें तीन लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड में एजीमेथल क्वांटम नंबर और थर्ड में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये लास्ट लेक्चर है क्वांटम नंबर का जो हम आज पढ़ने वाले हुए स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। हेडिंग देते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है सबसे पहले ये समझते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए वो ये पॉइंट है, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ठीक है। और इसमें दो ही वैल्यू होता है, हमने क्या बताया स्पिन क्वांटम नंबर किसके डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन दो ही डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, याद रहेगा। और देखना स्पिन क्वांटम नंबर में जो एस है, अगर एस का वैल्यू प्लस हाफ होता है तो उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, याद रखना आपको एस का वैल्यू प्लस हाफ होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर एस का वैल्यू क्या होगा माइनस हाफ, तो इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस हाफ है तो वो क्लॉकवाइज को शो करेगा, और माइनस हाफ है तो वो एंटी क्लॉकवाइज को शो करेगा। क्लियर है, इसको याद रखना है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, चाहे तो क्लॉकवाइज में घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अगर 100% है तो 50% क्लॉकवाइज और 50% एंटी क्लॉकवाइज मान ली, चाहे 50% क्लॉकवाइज हो, मतलब पॉसिबिलिटी दोनों की क्या होगी बराबर होगी। तो इसलिए एक का प्लस हाफ तो दूसरे का क्या होगा माइनस हाफ। आपको ये बैठा लेना है जहन में कि प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। अगर आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, अगर आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान फॉर्मूला है, रूट एस एस प्लस वन और क्या है इनटू एच बाई टू पाई, ठीक है। ये रूट के अंदर, ये रूट के बाहर, एच बाई टू पाई, तो याद रखना। और इसमें एस का वैल्यू फिक्स होता है, वो होता है हाफ प्लस हाफ, तो ये वैल्यू फिक्स होगा, याद रखना। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू बाहर में है ये एच बाई इंटू एच बाई टू पाई, और एस का वैल्यू इसमें फिक्स होता है वो क्या होता है 1/2। ये आपसे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, याद रखना है इसको कि स्पिन क्वांटम नंबर का फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई, टू पाई, और एस का वैल्यू इसमें फिक्स होता है वो क्या है हाफ। इसमें एक चीज निकालना पड़ता है जो हम सीखते हैं अब, ये तो हमने सीख लिया डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हमें जो एक चीज निकालना पड़ेगा वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये भी आसान है, अच्छे से सुनिएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, नाम क्या है इसका, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है टू इंटू मॉड एस प्लस वन, टू इंटू एस प्लस वन, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, टू इंटू एस प्लस वन। इसमें जो एस है वो है टोटल स्पिन, एस किसको रिप्रेजेंट करता है टोटल स्पिन, और इसमें जो एस का वैल्यू होता है एस, वो टोटल स्पिन का जो एस का वैल्यू होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना, टोटल स्पिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू हाफ, बहुत आसान है, एन इंटू हाफ, और एन किसको रिप्रेजेंट करता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है कि किसी और ऑर्बिटल में कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए हमने पी ऑर्बिटल लिखा, पी ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, तो एक दो और तीन ऐसे लिख दिया, बताइए इसमें कितने अनपेयर है, तीन है, तो यहाँ तीन पुट कर दीजिए, तो थ्री इंटू एस का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो एस का वैल्यू क्या होगा एन इंटू हाफ, एन कितना आया थ्री, थ्री बाई टू का आया कितना थ्री बाई टू। तो एक बार एस का वैल्यू पता चल गया तो हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करते जहाँ पर टू इंटू एस, एस का वैल्यू कितना आया थ्री बाई टू और क्या है प्लस वन, टू से टू कैंसिल तो थ्री प्लस वन कितना आ गया फोर आ गया, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया फोर आ गया, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला याद रखना, टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू प्लस हाफ, ठीक।
तो एन टू प्लस हाफ अभी बता दिया निकालने के लिए। एक और डी ऑर्बिटल के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए डी ऑर्बिटल में हमने ऐसे करके लिखा, ये डी ऑर्बिटल है, एक दो तीन चार पाँच, पांच ऑर्बिटल है, और इसमें मान लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन फुल है, तो बताइए इसमें एंड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टू है, मतलब इनका वैल्यू टू हो गया। डायरेक्ट एस निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बताया, एन इंटू हाफ, तो एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन को बताता है, तो इसमें कितना अनपेयर है, दो, तो टू इंटू हाफ कितना आ गया, वन आ गया, तो एस का वैल्यू वन आया, यहाँ पुट कर देंगे, टू इंटू एस का वैल्यू कितना आया, वन, टू इंटू वन प्लस हाफ, तो कितना हो गया, टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री मल्टीप्लीसिटी हो गया। तो हम इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, स्पिन मल्टीप्लीसिटी को। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे इन टू हाफ, एस का फॉर्मूला इन टू हाफ, या फिर अगर आप एस का वैल्यू दो होता है, एस को हम इस तरह से लिखते हैं, एस का वैल्यू होता है समेशन ऑफ एस, ठीक है, समेशन मतलब सम करते जाइए जितना भी एस है, ठीक है, कैसे निकालते, ठीक है, ये प्लस हाफ, क्लॉक वाइज रोटेशन क्या बोलते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो ये कैंसिल हो गया, सबको जोड़ते जाइए, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, क्लॉक वाइज का वैल्यू प्लस हाफ होता है, एंटी क्लॉक वाइज का वैल्यू माइनस हाफ होता है, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, तो बचा क्या, प्लस हाफ और प्लस हाफ कितना आ गया, वन, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, वन होता है, तो एस का वैल्यू वन आ गया, यहाँ वन पुट कर दिया, वन इंटू प्लस वन, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं और आंसर आसानी से आ सकता है, चाहे तो एन इंटू हाफ एन के एंड पेयर इलेक्ट्रॉन इंटू हाफ कर दो, चाहे समेशन ऑफ एस कर दो, चाहे सबको जोड़ते निकाल दिए, प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ करके, तो अब ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला होता है, जैसे एक और, ठीक है, सब में हम तोड़ तोड़ के बता दे रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अभी तो मुझसे बताया था, मान लो इसमें तीन है, तो इसमें समेशन ऑफ एस कैसे लगाएगा, तो ये क्लॉक वाइज रोटेशन है, तो ये हो गया प्लस हाफ, तो ये भी क्लॉक वाइज इसलिए प्लस हाफ, ये भी क्लॉक वाइज इसलिए प्लस हाफ, टोटल वैल्यू क्या आ गया, थ्री बाई टू आ गया ना, इस फॉर्मूला से ये आ गया थ्री बाई टू, और आप वो फॉर्मूला, इसका एक और फॉर्मूला बताया था एन इंटू हाफ, ये बताया था एन क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो एन कितना अनपेयर है, तीन अनपेयर है, तो थ्री यहाँ पुट कर दिए, थ्री इंटू हाफ क्या हो जाएगा, ये थ्री बाई टू, ठीक है, तो दोनों से थ्री बाई टू आ गया, तो दो जो फॉर्मूला मन हो वो लगा दीजिए आप, और डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिए, तो मल्टीप्लीसिटी इसका कितना आ जाएगा, टू इंटू थ्री बाई टू प्लस वन, टू से टू क्या आ गया कैंसिल, तो थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर आ गया। तो स्पिन मल्टीप्लीसिटी हम लोग ये दो फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है, स्पिन, और एक लास्ट अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बनता है ये सीखना जरूरी है कि क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए एन का वैल्यू हमने थ्री लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, और एल का वैल्यू हमने टू ले लिया, ठीक है, और एम का वैल्यू जीरो लिया और प्लस वन, और एस का वैल्यू ले लिया प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस हाफ ले लेते हैं, ठीक है, तो बताइए ये किस ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में मौजूद है, तो बहुत आसान है, अगर आपने मेरे तीनों लेक्चर को पढ़ा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल जाकर पढ़िए, अगर आप उन तीनों को पढ़ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। ये ऑर्बिटल, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है थ्री, एल बराबर टू किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एल का वैल्यू अगर टू होता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बताइए डी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, और एम बराबर जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एम का जीरो कहाँ होता है, जेड और डी जेड स्क्वायर में होता है, याद है, याद आया, और प्लस हाफ मतलब एक क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्लॉक वाइज रोटेशन में, वह क्या है, प्लस हाफ है वैल्यू, तो इस तरह से आप आंसर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कितना होता है पता है ना, पाँच होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ मौजूद होता है डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्लॉक प्लस हाफ मतलब क्या हो गया, क्लॉक वाइज रोटेशन, और एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए प्लस हाफ, तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं इसका, एन बराबर थ्री, एल बराबर टू, एम बराबर जीरो, एन थ्री को रिप्रेजेंट, एल टू, एल बराबर टू किसको रिप्रेजेंट करता है, डी को रिप्रेजेंट करता है, और एम बराबर जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, डी जेड स्क्वायर, यहाँ डी जेड स्क्वायर होता है, आप मेरा थर्ड लेक्चर देख लीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने बताया इसे, तो डी जेड स्क्वायर, और प्लस हाफ मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, तो इसका आंसर ये हो गया। और देखते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन था, कभी कभी सेकंड क्वेश्चन ये होता है, ऐसे करके दे देता है, देखिए ये चारों को हम क्वेश्चन आंसर मिला के कर रहे हैं, ये बताता है n का वैल्यू n बराबर सिक्स, s ऑर्बिटल किसको कहते हैं, s में l का वैल्यू क्या होता है, जीरो, ठीक है, s में l का वैल्यू जीरो, अगर l जीरो है तो m भी क्या होता है, जीरो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस s ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होता है s में, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है क्लॉक वाइज और क्या एंटी क्लॉक वाइज, दो इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, एंटी क्लॉक वाइज, तो s का वैल्यू क्या होगा, माइनस हाफ,
तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं इस चीज़ में। तो बहुत आसान है, देख लीजिए, एन का वैल्यू 6, एस की स्क्वायर एस में एल का वैल्यू क्या होता है 0, अगर एल 0 तो एम भी क्या होता है 0। बताओ ये दो क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन बताया और ये क्वेश्चन, ये कब आपको अच्छे समझ में आ गया? जो हमारा तीनों लेक्चर आप पढ़ लेते हैं, तो आप तीन लेक्चर पढ़िए उसके बाद ये क्वेश्चन को बनाइए, कुछ भी भारी नहीं लगेगा, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए उसके बाद ये दो क्वेश्चन बनाइए तो बहुत आसान लगेगा आपको। तो एन का वैल्यू 6 और एस किसको रिप्रेजेंट करता है एल, एस में एल का वैल्यू क्या होता है 0 और एल 0 तो एम भी क्या होता है 0, और ये एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और क्या है एंटी क्लॉकवाइज, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा -½। क्लियर, बस ये होता है कंप्लीट आपका स्पिन क्वांटम नंबर।